हमारा चैनल अभी 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारी कुछ वीडियो अभी आई है, ठीक है जी, तो हमारे 3 दिन में 4-4, 5-5 लाख व्यू मिले हैं उसपे। शूट करते हैं तो कई बार लड़ाई, हम प्रैंक करते हैं, रैंडम करते हैं, तो क्या बात होती है कि लड़ाई उड़ाई हो जाती है या नाराज जाते हैं। कई बार हमारा शूट करने के बाद ही वीडियो को डिलीट करना पड़ता था, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो टैलेंट है ना, इसकी कोई उम्र तो होती नहीं है, इसलिए हम, या तो बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि टिकटॉक पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी बहुत फेमस है, बिल्कुल, और जो बड़े हैं या बूढ़े हैं वो भी बहुत फेमस है। तो सर, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता उनको, हाँ ये है कि उनको साथ साथ में अपनी पढ़ाई और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं सुनील रावत आज की खोज चैनल से, और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इंटरव्यू मिलने वाला है इट्स सनकी प्रैंक चैनल का, जो कि उनका चैनल है टोटली प्रैंक के ऊपर, वो काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर ही उनके चैनल पे 30,000+ सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तो आप लगा सकते हैं इससे अंदाजा कि उनका चैनल कितना अच्छा है और वीडियो कितनी अच्छी उनकी होंगी। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारे साथ इट्स सनकी प्रैंक की टीम आ चुकी है। सर, ये सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू, थैंक यू सो मच हमारे को टाइम देने के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सूर्य। सूर्य, तो हमारे साथ इट्स सनकी प्रैंक टीम ज्वाइन कर चुकी है, इनसे मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, चलिए देखते हैं किस तरीके से उनका आंसर करते हैं। सर, ये बताइए आपने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो कब स्टार्ट किया, और मेनली आपने किस चीज़ को अपना सोचते हुए प्रैंक में आपने अपना चैनल क्रिएट किया? हमें 2.5 महीने हो गया चैनल स्टार्ट किए हैं, मैंने और मेरे एक फ्रेंड, हमारी टीम का एक और मेंबर है जी, जिनका नाम राम है, वो भी है नहीं शूट पे जी, हमने स्टार्ट किया था, फिर साथ में हमारे सर ने भी हमें सपोर्ट बहुत किया है जी, और ये अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, और चैनल पे जो भी है हमारा 30+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं 2.5 महीने के अंदर अंदर, और उनमें सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारे सर का जाता है। मैंने कुछ इसमें इमोशनल डालता हूँ, हेल्पिंग वाली डालता हूँ भाई, मैं अपनी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं, बहन बेटी ऐसे पारिवारिक बनाता हूँ मैं ये, मैं कभी पापा बन जाता हूँ, कभी भाई मामा बन गया, लेकिन किसी की हेल्प करना है, ठीक है जी, मैं अपनी साफ सुथरे चैनल के मतलब इसको रखता हूँ, ठीक है जी, और हमारा चैनल अभी 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारी कुछ वीडियो अभी आई है, ठीक है जी, तो हमारे 3 दिन में 4-4, 5-5 लाख व्यू मिले हैं उसपे, 4 से 5 लाख जी, तो और 4,500 कमेंट में बहुत ही अच्छा उनमें लिखा है हेल्पिंग वाली में, तो मैं बहुत ही अच्छा है कि मैं इस सनकी प्रैंक में मतलब हमारी ज्वाइन हूँ मैं जी। बिल्कुल सर, जैसे कि आपकी बात से पता चला 2.5 महीने के अंदर 30,000+ सब्सक्राइबर मिलना एक छोटी बात नहीं होती, क्योंकि यूट्यूबर्स पे हमने कई देखे हैं, कई यूट्यूबर्स आते हैं जो कि अपने 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में भी उन्हें पूरे साल लग जाते हैं जी, जी। सर, आपने ये बहुत, हमने 2.5 महीने बहुत मेहनत की है जी, देखिए हम शूट करने आते हैं जैसे, बिल्कुल सर, हमें किस चीज का सामना करना पड़ जाता है भाई, हमें गाली भी मिलती है और भाई बदतमीजी से भी हमसे बोलते हैं, लेकिन हम किसी से बदतमीजी नहीं बोलते और हम प्यार से हम शूट करते हैं, ठीक है जी। कुछ वीडियो ऐसी होती है जो हमें डिलीट भी करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, तो एक दो वीडियो डालते हैं, ठीक है जी, आज ही हमने एक नई वीडियो डाली है गिटार के साथ, वो एक फनी किया है और शायद ये कल या परसों डल जाएगी। ये गिटार आप साथ लेके आए हैं, थोड़ा ऊपर करके दिखा देंगे हमारे सब्सक्राइबर को जी। सर, ये देखिए, ये गिटार अपना लेके आए हुए हैं, आज इन्होंने शूट करा था और डायरेक्टली हमें इंटरव्यू इन्होंने दिया है, हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच इसके लिए। सर, मैं एक्चुअली, मुझे गाना तो आता नहीं है जी, बट एक्चुअली मैं फनी वीडियो बना, फनी वीडियो में अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में फनी कर रहा था, हंसी मजाक वाले अपने हरियाणा वाले गाने सुनाकर, और इसमें बड़ा मजा आएगा देखना वीडियो को, बहुत ही फनी हो गया। तो ये जो वीडियो है जो आपने आज रिकॉर्ड करी है, ये कब तक लोगों को देखने को मिल जाएगी? इट्स मिल जाएगा आपको 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ये चैनल पे आ जाएगी आपके। हाँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने प्रैंक का ही चैनल, मींस प्रैंक की कैटेगरी क्यों चुनी? मींस बहुत सारी कैटेगरी है यूट्यूब के अंदर, आप जैसे सिंगिंग का है, जॉब करता हूँ जी, और बस मेरा एक शौक है ये जी, मतलब मैं कुछ कलाकार टाइप में, मैं बचपन से मेरा शौक रहा है, बिल्कुल, और जब जैसे ही वीडियो वीडियो आई तो मैं भाई से मिला, फिर हम दोनों सबने मिलके अपना चैनल शुरू किया ये, तो मैंने अपनी वीडियो डाली, आप कोई भी मेरी वीडियो देख लीजिए, सिर्फ एक आपको पारिवारिक मिलेगी जो हर परिवार का बच्चा देख सकता है, बड़ा बुजुर्ग देख सकता है, और मेरे उससे कोई भी इसी तरह की मतलब वो नहीं मिलेगी भाई, तो फनी वगैरह कोई जैसे ब्रेकअप का ये तो चल जाता है, आपको आम है, ठीक है जी, तो हम सब मिलके है ना पारिवारिक, कभी मैं इनका पापा बन जाता हूँ, कभी मैं इनका मामा बन जाता हूँ, बच्चे तो सर हमने आगे बढ़ाया, और हर तरह की वीडियो बनाते हैं, फनी भी बनाते हैं, बनाते और इमोशनल भी बनाते हैं, हेल्पिंग भी करते हैं, बिल्कुल। सो ये बहुत अच्छा पार्ट है कि ये कोई भी ऐसी चीज अपने वीडियो में यूज नहीं करते जो लोगों को हट करे, क्योंकि कई बार चैनल्स पे, अदर चैनल्स पे देखा गया है लोग व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ ऐसे व्यूज। मैं चलो अपने चैनल के माध्यम से ना एक गलती मान लेता हूँ,
क्योंकि कुछ हमने वीडियो था इनके साथ थे जैसे किन्नर वगैरह की डाली है तो सभी डाल लेते हैं आजकल, सब डाल रहे हैं, किसिंग वाला डाल लेते हैं ठीक है, लेकिन मैंने इनको भी समझाया भाई इस तरह की वीडियो ना डाल क्योंकि हमारा चैनल है ना, मैं माफी चाहता हूँ इससे कि भाई इस तरह की हम वीडियो नहीं डालेंगे, इन्होंने मुझे आज वादा किया है कि हम इस तरह की वीडियो नहीं डालेंगे ठीक है। तो मैं पब्लिक के कमेंट में ये कहूंगा कि भाई हम उन्होंने डाल दी थी, मैं थाने में बताया भी नहीं, मैं कहीं चला गया था, तो कोई बात नहीं, चलो जो है डल गई, एक फ्रेंड है उन्होंने साथ मिलकर बना ली थी, तो ये नहीं है उसमें, वो हमारा तीसरा पर्सन है जस्ट उसने शूट करके डाल दी है, लेकिन हमारा पारिवारिक चैनल है, साफ सुथरा चैनल है, आप घर बैठे परिवार के साथ हंसी मजाक के साथ देख सकते हो। सो गाइस जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ वीडियोस थी जो इनको लग रहा था नहीं डालनी चाहिए थी लेकिन डल गई, सो आगे से आपको कुछ उस टाइप की वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी, आपको आगे से बिल्कुल अच्छी फनी वीडियो मिलेगी, इमोशनल मिलेगी। और अभी आप मैंने कल हमने एक लड़की की हेल्प की है, क्या नाम, वो वहां से श्रीलंका से आई थी जी। और श्रीलंका से आई थी, उसका पर्स चोरी हो गया, सच में ही हो गया था जी। तो जस्ट वो इधर आई थी, हमने उसकी हेल्प की है, तो ये भी मैंने एक वीडियो बनाई, मुझे पूछ के उन्हें बताया ऐसे तो वीडियो, लेकिन वो बहुत मतलब बेचारी परेशान थी, वो बस जस्ट एक अवेयरनेस के लिए हमने वीडियो शूट करी है ताकि लोग को अगर किसी को हेल्प करना किसी को जरूरत हो तो लोग भी ऐसी हेल्प करें, कोई बाहर से आता है कोई किसी का पर्स चोरी कर ले और अनजान हो तो थोड़ा सा ऐसे, तो आप वीडियो देखना वो भी तो डालेंगे, बड़ी अच्छी है तो हेल्प की हमने। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इट्स सन की प्रैंक जो आपका चैनल है उस चैनल पे, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब के अंदर बहुत सारे प्रैंक चैनल ऑलरेडी है, लेकिन अगर कोई आपके चैनल पे कोई व्यूअर आपके चैनल पे देखने आए आपकी वीडियो, तो वो स्पेशली किस चीज के लिए आए आपके चैनल पे, मीन्स कौन सी ऐसी चीज होगी व्यूअर को अट्रैक्ट करेगी आपके चैनल पे आने के लिए? बिल्कुल सर, हमारे में चैनल में हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी, फनी भी मिल जाएगी, अगर किसी को फनी अगर ज्यादा वीडियो पसंद है फनी तो फनी वीडियोस देख सकता है, और जिसको अब मतलब हेल्प इमोशनल देखना है या हेल्प वाली वीडियो देखनी है, जिसको अच्छा लगता है ये सब चीजें देखना वो देख सकता है। बिल्कुल, सो गाइस इन्होंने बताया कि इनके चैनल पे आपको हर प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी, चाहे इमोशनल हो चाहे प्रैंक हो, फनी भी है, प्यार वाली मिल जाती है, एक तरह फ्रेंड वाले फ्रेंड वाली ऐसी बात नहीं है, तो मतलब आपको साफ सुथरा चैनल मिलेगा ये हमारा, और एक दो कुछ वीडियो डली है वो हम मैं देख रहा हूँ उसको ठीक है, और आगे से हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, और आज हमने ऐसी वीडियो बनाई है अपनी हरियाणा लैंग्वेज में, और वो भी एक फनी वीडियो है, आप सबका दिल खुश हो जाएगा देख के, और हम बस आप लोगों का सहयोग चाहिए ठीक है, हमारा प्यार आपके चैनल के माध्यम से ठीक है जी, बस हम ऐसे वीडियो बनाते रहे और हमसे कोई गलती ना हो, हम ये चाहेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो, और हमारे चैनल से या हमसे अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप सब हमें माफ कर दें। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई गलती भी होती है और उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई कई ऐसे भी होते हैं जो गलती करके एक्सेप्ट भी नहीं करते, कोई गलती होती है हम उसके हो सकती है हमसे ही गलती हो जाती है, लेकिन मैं हम उस गलती को सुधारेंगे ऐसी बात नहीं है, आप लिखो ना, आप कमेंट में लिखो आप ये गलती कर रहे हो जी बिल्कुल, तो हम उसको सुधारेंगे ऐसी बात नहीं है। सो गाइस इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने सुझाव अपने फीडबैक देना चाहते हैं इनके चैनल पे, सो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर लिखिए, सो दैट ये अपनी जो वीडियोज है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि यूट्यूब, आप जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं, सो दो महीने के अंदर आपने 30,000 प्लस सब्सक्राइबर प्राप्त कर लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस तरीके से न्यू यूट्यूबर को एडवाइस करेंगे, किस प्लानिंग के साथ उनको यूट्यूब पे आना चाहिए? अगर कोई न्यू क्रिएटर अगर स्टार्ट करना चाहता है तो यूट्यूब पे तभी सक्सेसफुल होगा, कुछ अलग लाने की कोशिश करेगा, तो अगर वो कुछ अलग, लोग क्या है कि लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो मैं अपने न्यू यूट्यूबर से वही कहना चाहूंगा जो प्रैंक करना चाहते हैं या करने स्टार्ट किया उन्होंने, तो कुछ नया करें तो बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। सो गाइस आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि इन्होंने बताया आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए आप, ताकि दूसरों से कुछ अलग कर पाए, जब तक आप दूसरों से कुछ अलग नहीं करेंगे आपको व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं मिल पाएंगे, शायद आप यही कहना चाहते हो। सर मेरे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर किसी का एम होता है, एक किसी ना किसी को हर कोई फॉलो करता है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है कि किसी एक ऐसे यूट्यूबर के साथ वीडियो साथ में मिलके काम किया जाए या फिर उसके साथ मिलके क्रिएट किया जाए, अगर आप किसी को कोई अपने माइंड में हो? मैं जानी लीवर जी को बहुत फैन हूँ जी, और मतलब क्या है कि मैं मतलब बहुत ही ज्यादा फैन हूँ उनका, कॉमेडियन भी है, उन्होंने कई तरह की वीडियो बनाई है जी, बिल्कुल। सर मेरा एक मतलब तमन्ना है कि मैं एक्चुअली छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, परिवार है छोटा सा मेरा भी, लेकिन मेरे जानी लीवर से मिलने का बड़ा मतलब वो है कि मैं अगर इस चैनल के माध्यम से अगर जानी लीवर जी से अगर मैं मिल सकता हूं तो सर मेरा सौभाग्य होगा जी। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया इट्स सन की प्रैंक जो हमारी टीम है उनका ये एक विश है कि वो जॉनी लीवर के साथ
फ्यूचर में वीडियो क्रिएट कर पाए जब जी, बिल्कुल जी। सर बिल्कुल, और सर मुझे वादा कि हम करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है। देखिए सर, आपने जो बोला ना वहाँ तक पहुँचेंगे जरूर, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ तक जाना है, लेकिन आपने सोच रखा है कि आपको आगे क्या करना है, तो ये काफी अच्छी चीज है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ चुका है, काफी यूट्यूबर्स आ चुके हैं, सो अब आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी, आपकी जैसे अभी आप प्रैंक की वीडियो डालते हैं, सो क्या फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि जब आपको और ज्यादा सब्सक्राइबर मिल जाए, क्या आप कोई और कैटेगरी में भी अपना न्यू यूट्यूब चैनल खोलने की सोच रहे हैं? सर, बिल्कुल सर, हम अगर हम प्रैंक तो करेंगे, अगर भविष्य में हम एक वाइंस चैनल भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अभी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब 2-3 महीने में शुरू कर देंगे। तो सर ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है कि जो आपका जो आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में मे बी हो सकता है कि आपका वाइंस पे चैनल आ सकता है, सो वो क्या टीम आएगा या फिर इंडिविजुअली आएगा? सर टीम वाइंस जो है टीम में बनाया जाता है, तो उसमें हमारा टीम में ही होगा। सर बिल्कुल, वो भी सेम टीम में ही बनेगा आपका चैनल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि यूट्यूब से आप क्या समझते हैं, मतलब आपकी नजर में यूट्यूब क्या है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यूट्यूब को आप डिस्क्राइब करें आपके शब्दों में यूट्यूब क्या है? यूट्यूब तो ये है कि हम यूट्यूब का ऐसे करियर मान सकते हैं, अगर आप YouTube पर अगर बढ़िया अपन काम करते हो तो सर इसके अंदर आपको नेम और फेम दोनों मिलता है, ठीक है, और प्लस में आप पैसे तो अर्न करते ही हो इसके अंदर। बस मैं यही कहूंगा कि YouTube एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना अपने आप को वो कर सकते हो, एक सक्सेसफुल बना सकते हो। सो आज की डेट में जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ हमारे जैसे छोटी एज के बच्चे या फिर कुछ जैसे टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे आ चुके हैं, सो मैं मेरा क्वेश्चन इस पे यही है कि क्या आपको लगता है कि उनको इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, उनको अपना टाइम देना चाहिए पढ़ाई में? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो टैलेंट है ना इसकी कोई उम्र तो होती नहीं है, इसलिए हम या तो बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि टिकटॉक पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी बहुत फेमस है, बिल्कुल, और जो बड़े हैं या बूढ़े हैं वो भी बहुत फेमस है, तो सर टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता उनको, हाँ ये है कि उनको साथ साथ अपनी पढ़ाई और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, छोटे आप देखोगे, आप फिल्म भी देखते हो, छोटे छोटे बच्चों को लिखते हैं, फेमस होते हैं, ठीक है ना, फिर वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, या टिकटॉक करने आते हैं काफी हम देखते हैं, लेकिन मैंने कई से सवाल भी किया, अगर आप टिकटॉक भी करो फिर सर हम पढ़ाई भी करते हैं साथ में, ऐसा नहीं है, हमारा शौक भी है, ठीक है, और ऐसे नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करते, हम परिवार से पूछ के भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम टिकटॉक कर रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों को पता है टिकटॉक भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सो गाइस जैसे कि इन्होंने बताया इट्स सन की प्रैंक टीम ने कि अगर आप टिकटॉक पे या फिर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं सो आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़ें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और साथ में आप जो आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि टैलेंट तो उसकी कोई उम्र नहीं होती, जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, अगर आप छोटे हैं आप चाहे बड़े हैं तो टैलेंट का बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी टीम से, आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बहुत बार आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, क्योंकि जैसे कि हमने भी जब अपना यूट्यूब चैनल खोला था, मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, तो जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था तो कई बार घर से भी क्रिटिसिज्म मिलता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार ऑफिस में भी, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ साथ में पार्ट टाइम में यूट्यूब करता हूँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो है लोग ऑफिस में भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं या फिर जहां आप वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं लोग परेशान करते हैं, कुछ ऐसा होता रहता है, तो कभी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है शूट करते वक्त? या तो घर, एक तो मैं घर की बात बताऊँ तो घर वाले स्टार्टिंग में तो थोड़ी रोक टोक करते ही है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं होता दरअसल इसके अंदर मिलने वाला क्या, हमें तो पता होगा हम इसके अंदर किस एम्स लेकर आए हैं, ठीक है, वो तो घर वाली बात होगी, और हम जब शूट करते हैं तो कई बार लड़ाई, हम प्रैंक करते हैं रैंडम करते हैं, तो क्या बात होती है कि लड़ाई उड़ाई हो जाती है या नाराज जाते हैं, कई बार हमारा शूट करने के बाद ही वीडियो को डिलीट करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है, प्रैंक करना एक बहुत मेहनत का काम जी। तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि बहुत लोग क्या होता है कि आजकल यूट्यूब में या फिर टिकटॉक में मजे में आ जाते हैं, लेकिन अब जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूब पे आपका भी चैनल है मेरा भी चैनल है, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 आवर्स का वर्किंग जो उसमें टाइम है वो वॉच आवर टाइम होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग जो है इसे कंप्लीट नहीं कर पाते और वो कुछ ही महीनों के अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चैनल को छोड़ जाते हैं, सो उनके लिए आप कोई एडवाइस करना चाहेंगे? मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए तो पहले आप ये करके जाओ कि मुझे वहाँ पे जा रहा हूँ तो सोच समझ के जाए कि हाँ मुझे वहाँ पे कितना भी टाइम लग जाए लेकिन मुझे करना है तो करना है, ये सोच के जाओगे तो फिर कोई भी तुम्हारी रिक्वायर्ड नहीं आएगी, ये जो 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे की जो वॉच टाइम है ये बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती है यूट्यूब पे अगर आप अच्छे से काम करते हो तो। सो गाइज इनका टोटली कहना यह है कि आपको पहले से आपने डिसाइड करना है, उस चीज पे रिसर्च करिए और काम आपका जो कंटेंट है वो काफी अच्छा होना चाहिए, माइट भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको सब्सक्राइबर और व्यूज कम मिले, लेकिन अगर काम अच्छा होगा तो एक दिन सब्सक्राइबर और व्यूज जरूर मिल जाएंगे। मेहनत का फल मिलता होगा भाई,
तो सर मेरा फाइनल आपसे क्वेश्चन है कि वीडियो को फिलहाल हम एंड करने वाले हैं यहाँ पर, सो फाइनल अगर आप कुछ अपना मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को। बस मैसेज यही देना चाहते हैं कि सर का चैनल बहुत अच्छे है, मेहनत कर रही है भी, और इनका चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारा इट संदीप प्रैंक का चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें, और हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आपको मतलब हंसा भी रहे हैं और इमोशनल भी कर रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो देखते रहे, अब ये वीडियो डलने वाली है और लोटपोट हो जाओगे आप देखकर। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उस चैनल पर जरूर जाके देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पसंद आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में अच्छा लिखना, ठीक है जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।